दोस्तों, माननीय अमित शाह जी जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी हैं, उनके साथ में EPS 95 पेंशन धारकों की मुलाकात होती है। मुलाकात के दौरान EPS 95 पेंशन धारकों के सारी बातों को बड़े ध्यान से गंभीरतापूर्वक सुनते हैं, विचार करते हैं। इसके बाद EPS 95 पेंशन धारकों को आश्वस्त करते हैं कि अगर बोला जाए तो इसी साल के लास्ट तक EPS 95 पेंशन धारक जो तो पेंशन से लाभान्वित होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, उमी टेक्निकल यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। वीडियो को बखूबी विस्तार के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, नांदेड़ में EPS 95 पेंशन धारकों की एक विशाल सभा थी। सभा के दौरान देखिए सभा हुई थी और सभा में माननीय जो तो कमांडर अशोक रावत जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में सभा हुई थी और बहुत सारे EPS 95 पेंशन धारक, लगभग अगर बात किया जाए तो हजारों की संख्या में EPS 95 पेंशन धारक वहाँ पर एकत्रित हुए थे। ये एक अपडेट भी थी। और दूसरी अपडेट, माननीय अमित शाह जी जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी के साथ में मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान EPS 95 पेंशन धारकों ने उनको ज्ञापन सौंपा। अब ज्ञापन तो दिया, हालांकि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ज्ञापन दिया गया, एक बार और माननीय अमित शाह जी को ज्ञापन दिया गया था। उस बार भी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए उन्होंने बताया था कि जो तो उनके पेपर पर काम चल रहा है और बहुत जल्द EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। इस बार भी उन्होंने बताया कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुके हैं और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अब जितने भी लोगों के साथ में बात होती है तो यही बात सामने निकल के आती है और यह सत्य भी होती है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले जब माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी के साथ में EPS 95 पेंशन धारक मुलाकात किए थे, तब उन्होंने भी बोला था कि पेपर वर्क में काम हो रहा है, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट है और जल्द EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि की जाएगी। इसके बाद में जब EPFO का CBT मीटिंग हुआ, उस CBT की मीटिंग में इस बात का भी जिक्र आया कि पेपर वर्क ऑलमोस्ट कंप्लीट है और EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द की जाएगी। मिनिमम पेंशन को 5,000 करने की बात कही गई थी और साथ ही साथ में EPS 95 पेंशन धारकों की जो उच्च पेंशन है, यानी कि जो हायर पेंशन है, उस हायर पेंशन में भी काम चल रहा है और जल्द से जल्द हायर पेंशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी, इस बात पे भी जो तो जोर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं अब उम्मीद जगने लगी है, भरोसा होने लगा है कि माननीय जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो बात भी बोली है वो कहीं कहीं सत्य है, शत प्रतिशत जो तो सत्य है और जो EPS 95 पेंशन धारकों को आने वाले समय में बहुत जल्द पेंशन की राशि मिलेगी। एक नोटिफिकेशन के आधार पे मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, हालांकि वो EPFO का नोटिफिकेशन नहीं है, उस नोटिफिकेशन के आधार पे ये तक बोला जा सकता है कि EPS 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि जो तो फरवरी महीने तक में देखने को मिल जाएगी, खाता में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इसका कोई नोटिफिकेशन, अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन आप देखेंगे EPFO की तरफ से, तो कोई जारी नहीं हुआ है, जिससे अभी इस बात को जो तो पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जा सकता है। लेकिन ये भी बात मैं बोलता हूँ आपको कि ऐसे जो नोटिफिकेशन आते हैं, इस प्रकार की जो खबरें आती हैं, वो खबरें भी कभी कभी बहुत सही होती हैं, बहुत सटीक होती हैं और उसी के आधार पर उनको पेंशन की राशि भी मिलने लगेगी, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है। लेकिन अभी देखना यह है कि जब तक ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है, तब तक हम जो तो इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये जो जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है तो वो सही ही होगी। और सबसे नंबर की बात है कि माननीय अमित शाह जी को समस्त हमारे जितने भी EPS 95 पेंशन धारक हैं, उन EPS 95 पेंशन धारकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बार फिर से सामने अपना जो तो एक प्रतिक्रिया दिया है। EPS 95 पेंशन धारकों को दर्द के समझने की कोशिश किया है, EPS 95 पेंशन धारकों के पक्ष में उन्होंने वो खड़े हुए और EPS 95 पेंशन धारकों को एक जो मतलब कि सहानुभूति है वो सहानुभूति दी, तो और माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने की भी बात कही, तो कहीं ना कहीं EPS 95 पेंशन धारकों की आवाज जो तो ऊपर तक जा रही है और जल्द ही पेंशन में वृद्धि भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आता है कमांडर अशोक रावत जी की बात, दिल्ली में आंदोलन है, उसका भी असर EPS 95 पेंशन धारकों को मिलेगा, फायदा मिलेगा, डायरेक्टली फायदा मिलेगा, क्योंकि जो तो EPS 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेके वो जो बातें सामने निकल के आई तो भी कहीं ना कहीं सही ही होंगी और EPS 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मुहैया होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आई होगी आपको, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आगे तक जरूर पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद, जय।